आज की अपनी ये ऑनलाइन क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लास में आज हम एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, हम उसमें विभेद कैसे कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। और इसमें दो इम्पोर्टेंट परीक्षण, एक टोलेन परीक्षण और दूसरा फेलिंग परीक्षण, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये दोनों ऑक्सीजन पर आधारित है। तो आज की अभिक्रिया में हम सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन पढ़ेंगे, उसके बाद टोलेन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण के बारे में बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम खराब किए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक था एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हमने नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ये दो अभिक्रिया हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है नंबर 3, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात समझा दो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण सामान्य ऑक्सीकरण KMnO4 या K2Cr2O7 से ऑक्सीकृत होकर वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो हम सकते हैं कि ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं कि एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकारक, एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकारक जैसे KMnO4, क्या नाम होता है इसका, पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकारक KMnO4 या K2Cr2O7 से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो कोई विशेष बात नहीं है कि एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीकरण करोगे तो सामान्यतः इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण होने से हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। जैसे रिएक्शन समझिए, कुछ करते हैं RC OH, क्या किया आपने इसका ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण के लिए क्या लोगे, या तो KMnO4 या K2Cr2O7। तो यहां मैंने लिख दिया K2Cr2O7, तो ऑक्सीजन होगा तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन यहां पे आपने जुड़ता है। कंडीशन क्या बनती है आपकी, RC OH क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया कार्बोक्सिलिक, हम एक एग्जांपल समझते हैं, CH3 C OH, इसका नाम दिया मैंने SC टेल्डिहाइड। अब मैंने क्या किया, इस SC टेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दिया, ऑक्सीकरण क्या ले लिया K2Cr2O7 से। तो सीधी बात है, इस ऑक्सीजन को आप यहां लिख दो तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 C OH, पर इसको आप क्या बोलते हो, एसिटिक अम्ल। तो कोई विशेष रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल है कि जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होने पर हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगर एसिटाइल्डिहाइड लिया है तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एसिटिक अम्ल। लेकिन विशेष बात है कि जब कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो आप कीटोन की स्ट्रक्चर कंडीशन जानते हो, C OH, इधर भी कार्बन होगा इधर भी कार्बन होगा। तो कीटोन के ऑक्सीकरण में सीसी बंध का विखंडन होता है, और सीसी बंध का विखंडन होने के कारण कीटोन का ऑक्सीकरण सामान्य जो ऑक्सीकारक है इनसे न होकर पर्पल ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है।
और पर्पल ऑक्सी कारक की उपस्थिति में ही कीटोन का ऑक्सीकरण होगा। तो विषय जानने के लिए कि यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं थी एल्डिहाइड में, लेकिन जब आपने कीटोन का ऑक्सीकरण किया है तो कीटोन का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? पर्पल ऑक्सी कारक। क्योंकि पर्पल ऑक्सी कारक होगा तभी कार्बन कार्बन के मध्य का बंध टूटेगा, और पर्पल ऑक्सी कारक के रूप में मुख्यतः हम साधारण HNO3 सांद नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं। पर्पल ऑक्सी कारक के रूप में हम कर सकते हैं सांद HNO3। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ बात करें, इसको आगे बढ़ाएं। तो एल्डिहाइड की जो प्रॉब्लम रहती है, एल्डिहाइड का जब भी हम ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करें कीटोन का ऑक्सीकरण, तो कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए बोल देते हैं, जबकि कीटोन के ऑक्सीकरण में, जबकि कीटोन के ऑक्सीकरण में सीसी बंध विखंडन के कारण, या कीटोन का लगाना, कीटोन का ऑक्सीकरण सीसी बंध विखंडन के कारण, आसानी से नहीं होता है। लाइन की सही सही यहां, जबकि कीटोन का ऑक्सीकरण सीसी बंध विखंडन के कारण आसानी से नहीं होता है, अतः पर्पल ऑक्सी कारक, अतः पर्पल ऑक्सी कारक की उपस्थिति में, पर्पल ऑक्सी कारक की उपस्थिति में, अतः पर्पल ऑक्सी कारक की उपस्थिति में कीटोन का ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो सीधी सी बात याद समझने लायक है, जिसके बात करके अगर आप कीटोन का ऑक्सीकरण करोगे तो कीटोन में कार्बन कार्बन के मध्य का बंध टूटेगा। तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमें पर्पल ऑक्सीकारक की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वो कार्बन कार्बन के मध्य बंध टूटेगा, और दोनों बंध टूटेंगे तो दोनों तरफ से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। सिंपल से एग्जांपल समझते हैं इसको, जिसे मैंने लिखा CH3 C=OCH3। चलिए अब पहली बात में बात करिए कीटोन जैसा कार्बोनिल समूह के दोनों ओर, ये कीटोन समूह के दोनों ओर एल्केन समूह समान है, इसका मतलब ये कीटोन कैसा है? सममित कीटोन है। अब इस कीटोन को चाहे आप इधर से तोड़ो या यहाँ से तोड़ो, इससे कोई इफेक्ट नहीं है, और जो उत्पाद बनेगा बिल्कुल उत्पाद बनेगा दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया, तो अब होगा क्या कि यहाँ तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और यहाँ पर एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता। तो ऑक्सीजन करने के लिए मैंने यहाँ कर दिया ऑक्सीजन, और ऑक्सी कारक के रूप में हमने क्या ले लिया? सांद HNO3। अब एक मैंने आपको विशेष बात बता रहा हूँ कि जब भी इस प्रकार का ऑक्सीकरण आए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद क्या करना है कि ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये ऑक्सी कारक है, तो आपको जितने ऑक्सीजन चाहिए उतने आप यहाँ पे लिख सकते हो। पहली बात तो याद करिए कि ऑक्सीकरण है तो यहाँ पर ऑक्सी कारक है, तो यहाँ ओ का मतलब है कि जितने ओ है, 1 2 3 4 5 जितने चाहिए उतने लिख सकते हो। कीटोन का जब ऑक्सीकरण करोगे तो तरीका यही याद रखना कि इधर कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दो CH3 C=OOH। तो ये तो बन गया दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इससे एक कार्बन वाला, इससे कितना? एक कार्बन वाला, जैसे यहाँ पे एक कार्बन में कौन सा बनता है? फॉर्मिक अम्ल। तो ये विशेष बात ध्यान रखें
कि इधर दो कार्बन थे तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल और इधर एक है तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। दो कार्बन से नाम हो गया एसिटिक अम्ल और एक कार्बन क्या बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम हुआ इसका? एसिटिक अम्ल। और इसको हम क्या नाम देंगे? फॉर्मिक अम्ल। तो ये लिख दिया मैंने एसिटिक अम्ल और ये लिख दिया फॉर्मिक अम्ल। लेकिन जब कीटोन ये तो सममित है, असममित कीटोन हो तो क्या हो? असममित कीटोन का मतलब उस कीटोन समूह के दोनों ओर एल्किल समूह समान नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि ये जो कार्बोनिल समूह है वो कम कार्बन वाले एल्किल समूह की तरफ आपको रखना है। जैसे यहां लिख दूं कि इसको होते पॉपअप नियम के अनुसार कीटोन के ऑक्सीजन में काम आते हैं। तो क्या लिखे पॉपअप नियम के अनुसार असममित पॉपअप नियम के अनुसार असममित कीटोन का असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करते समय असममित कीटोन का ऑक्सीजन करते समय कार्बोनिल समूह है, असममित कीटोन का ऑक्सीजन करते समय कार्बोनिल समूह है छोटे एल्किल समूह की तरफ रहता है। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि पॉपअप नियम के अनुसार, पॉपअप नियम के अनुसार असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करते समय कार्बोनिल समूह किधर रहेगा? छोटे एल्किल समूह की तरफ रहता है। तो इसको वैसे समझते हैं यहां पे CH3 सी डबल बोन ओ CH2 CH2 CH3। अब कीटोन इस कार्बोनिल समूह के इधर एक कार्बन है, इधर तीन कार्बन है। तो अब अपना कंफ्यूजन ये रहता है कि इस बंध को यहाँ से टूटेगा या ये बंध यहाँ से टूटेगा। तो हमने क्या सीखा कि जो कार्बोनिल समूह है कहाँ रहेगा? छोटे एल्किल समूह की तरफ। इसका मतलब इस कार्बोनिल समूह को इस एल्किल समूह के साथ रखना। तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है कि ये क्या किया मैंने? ऑक्सीकरण। क्या किया? ऑक्सीकरण इसकी उपस्थिति में सांद HNO3 की उपस्थिति में। तो अभी वो याद करें इधर कितने कार्बन है? दो कार्बन। इधर कितने कार्बन है? तीन कार्बन। तो यहाँ दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और इधर तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना। कैसे बनाओगे? दो कार्बन में हम समझते हैं CH3 CWH बन जाएगा और तीन कार्बन की बात करें तो CH3 CH2 CWOH। तो इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। और इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि सममित कीटोन है तब आप इस बंध को चाहे यहाँ से तोड़ सकते हो या यहाँ से, कोई अंतर नहीं रहेगा, उत्पाद सेम बनेगा। लेकिन असममित कीटोन, असममित कीटोन, असममित कीटोन होने पर, असममित कीटोन होने पर ये जो कार्बोनिल समूह है वो छोटे समूह के साथ रहेगा, फिर ऑक्सीकरण करना है। तो यहाँ पे दो कार्बन वाला और ये तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त। तो यहाँ से बात के लिए रही कि एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, जबकि कीटोन का जो ऑक्सीकरण है वो आसानी से नहीं होता है। तो बहुत बार ये लिखा हुआ होता है कि इसके अलावा एक चीज हम बात कर रहे हैं कि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड एक अच्छा अपचायक होता है। एल्डिहाइड को हम क्या मानते हैं? एल्डिहाइड को हम एक अच्छा अपचायक मानते हैं या प्रबल अपचायक मान सकते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीजन आसानी से हो जाता है, जबकि कीटोन उसका ऑक्सीजन नहीं होता है। तो कभी जैसे कीटोन एल्डिहाइड एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि कीटोन
नहीं। अब इसी ऑक्सीजन इस पर्पल अपचाइज होने के कारण इसी एल्डिहाइड और कीटोन को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीजन आसानी से हो जाएगा जबकि कीटोन का ऑक्सीजन आसानी से नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं टोलेन परीक्षण, बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है और ये मान के चलना कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो अपनी जो रिएक्शन स्टार्ट होती है टोलेन परीक्षण, क्या लिखा है टोलेन परीक्षण। टोलेन परीक्षण की जब बात करें तो सबसे पहले बात याद रखनी है आपको कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। क्या लिखा हमने कि टोलेन परीक्षण, तो टोलेन परीक्षण में जो हम अभिकर्मक काम में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं टोलेन अभिकर्मक। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को हम टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। यह परीक्षण केवल, क्या लिखा है यह परीक्षण केवल एलिफेटिक तथा एरोमेटिक, यह परीक्षण केवल एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है। तो विशेष बात अपने को क्या याद रखनी है कि यह परीक्षण केवल एल्डिहाइड देता है और एल्डिहाइड में भी हमने बात कर ली एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। इसका मतलब टोलेन परीक्षण है वो कौन नहीं देता, कीटोन नहीं देता है। याद करें ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कैसे करेंगे, तो टोलेन परीक्षण की सहायता से हम दोनों में विभेद कर सकते हैं। अब इस अभिक्रिया में सुनते हैं होता क्या है कि एल्डिहाइड प्रबल अपचायक होता है जिसके कारण एल्डिहाइड प्रबल अपचायक होता है जिसके कारण टोलेन अभिकर्मक को टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण, अपचयित करके रजत दर्पण बनाता है। मतलब टोलेन अभिकर्मक का अपचयन कर देगा और क्या बनेगा रजत दर्पण, ये विशेष बात है। इस कारण से इस परीक्षण को, कौन से टोलेन परीक्षण को हम रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं। अब आप सब जानते होंगे कि रजत का मतलब क्या होता है, सिल्वर। तो इस परीक्षण में सिल्वर की एक परत बनती है दर्पण के समान, इस कारण से इसको क्या नाम दे दिया गया रजत दर्पण परीक्षण। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम इसकी रिएक्शन की बात करेंगे। टोलेन परीक्षण अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को हमने क्या नाम दिया टोलेन अभिकर्मक।
ये फ्रिक्शन टोलेंट फ्रिक्शन केवल कौन देखा देगा, एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्डिहाइड, अर्थात कीटोन यह फ्रिक्शन नहीं देता है। एल्डिहाइड क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है, हमने लास्ट वाली रिएक्शन में पढ़ा था, एल्डिहाइड प्रबल अपचायक होता है जिसके कारण ये टोलेन अभिकर्मक को अपचेत करके क्या बना देता है, रजत दर्पण बना देता है। और रजत दर्पण, इस रजत दर्पण का मतलब कि चांदी की एक परत बना देता है, इस कारण से इसको हमने क्या नाम दे दिया, रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं। अब समझते हैं क्या होता है कि एक परख नली लेंगे, उस परख नली के अंदर, उस परख नली के अंदर हम टोलेन अभिकर्मक मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं। यदि उसके अंदर एल्डिहाइड है तो उसमें चांदी की एक वले बन जाती है जो दर्पण के समान होती है, इस कारण से इसको हमने क्या नाम दिया गया, रजत दर्पण परीक्षण। तो सीधी सी बात है कि इसमें चांदी की एक परत का निर्माण होता है। हम रिएक्शन को समझते हैं, उससे पहले आगे हम बात करें, आप जल्द इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसकी रिएक्शन समझते हैं, तो लैंग्वेज तो आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें इसको कैसे याद करना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको। और जहाँ एल्डिहाइड और कीटोन की बात होगी वहाँ टोलेन अभिकर्मक की ज़रूर बात होगी, तो इसको ज़रूर याद करना आपको। अब देखो इसके रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि टोलेन परीक्षण में टोलेन अभिकर्मक काम में लेंगे, टोलेन परीक्षण में टोलेन अभिकर्मक काम में लेंगे, वो क्या होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो यहाँ पे ये तो लिखा मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ से क्या होता है, Hg के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, और NH4 के साथ NO3, तो क्या बनता है, क्या बनेगा यहाँ पे, HgOH प्लस NH4NO3 सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट। अब क्या होता है कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड के कितने अणु, दो अणु होंगे, तो यहाँ से एक जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया, जल का अणु बाहर चला गया, तो HgOH कितने लिए आपने, दो, तो क्या बाहर निकल गया, जल का अणु, तो क्या बन गया, Hg2O सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। अब ये सिल्वर ऑक्साइड क्रिया किससे करेगा, एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड का एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं, RC OH, और क्रिया करवा दी मैंने Hg2O से, क्रिया किससे करवा दी, Hg2O से। अब ये यहाँ से O अलग हो जाएगा और वो O आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, RC OH प्लस 2 Hg। अब Hg का मतलब आप बोलेंगे सिल्वर, तो वहाँ पर उस परख नली में सिल्वर की परत बन जाती है। तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और सिल्वर से ऑक्सीजन हटने का मतलब उसका अपचयन हो गया, सिल्वर ऑक्साइड किसमें बदल गया, सिल्वर में, और यहाँ पर आपकी रजत परत का निर्माण हो जाता है। तो अगर आपसे टोलेन कॉम्प्लेक्स के रूप में रिएक्शन कैसी होगी इसकी, RC OH एल्डिहाइड, इसकी क्रिया Hg NH3 2OH- और इसके मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, दो, ये इसके साथ क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, देखो वो सेम उत्पाद ये बनता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल RC OH प्लस 2 Hg, नहीं तो बाकी का यह लिख देता हूँ, 4 NH3 प्लस एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से रिएक्शन समझने की, ये रिएक्शन अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने तीनों एक साथ अलग अलग लिखी है, इसको चाहो तो आप कंबाइंड रूप से लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। यहाँ पर आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि जब एल्डिहाइड की क्रिया हम टोलेन अभिकर्मक से करवाएंगे तो उसमें सिल्वर परत बनती है,
सिल्वर परत बनने से, मतलब सिल्वर दर्पण बोल देते हैं, उसके बनने से हमें एल्डिहाइड की पहचान होती है। तो विशेष जान रहे हैं टोलेन परीक्षण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद क्या रखना था, टोलेन परीक्षण की बात करें तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, और एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, रजत परत या रजत दर्पण का निर्माण करता है, इस कारण से इसको रजत दर्पण परीक्षण भी हम कहते हैं। तो इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी थी, और ये इसकी इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को यहाँ मैंने अलग एक साथ लिखने की कोशिश की, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जो दोनों में आपको कंफर्टेबल महसूस हो तो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर लास्ट में नज़र नहीं आ रहा है तो 4NH3 और यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, 4NH3 और H2, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, अब आगे बात करें। अब नेक्स्ट परीक्षण आपका आता है फैलिंग परीक्षण, ये भी एल्डिहाइड का बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है। जैसे हमने टोलेन परीक्षण पढ़ा था, फैलिंग परीक्षण की बात करें तो पहली बात है कि ये परीक्षण भी केवल एल्डिहाइड देता है न कि कीटोन, केवल एल्डिहाइड देगा। तो फैलिंग परीक्षण में फैलिंग विलयन काम में लेते हैं, और ये विलयन दो विलयन, फैलिंग विलयन ए तथा फैलिंग विलयन बी से मिलकर बना होता है। तो हम बात करते हैं फैलिंग परीक्षण में कि फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी, तो फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी। तो जो फैलिंग विलयन ए होता है उसका मतलब होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है वो नीले रंग का होता है, इसका मतलब फैलिंग विलयन ए होता है उसका रंग कैसा होगा, नीले रंग का होगा। अब बात करें फैलिंग विलयन बी, ये होता है रोसेल लवण, रोसेल लवण को अगर हम लिखना चाहें तो ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का लवण होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस साथ में इसमें होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों का मिश्रण कैसा होता है रंगहीन, क्या होगा रंगहीन। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे समझने के लिए कि फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी, तो सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फैलिंग परीक्षण के लिए जो विलयन काम में लेते हैं उसमें दो विलयन होंगे, फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी, दोनों का मिश्रण फैलिंग विलयन कहलाएगा। तो फैलिंग विलयन ए क्या होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, फैलिंग विलयन बी रोसेल लवण या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH का रंगहीन विलयन होता है। अब यहाँ से आपको एक विशेष बात करेंगे, इस परीक्षण में होता क्या है कि एल्डिहाइड फैलिंग विलयन को, एल्डिहाइड फैलिंग विलयन को अपचयित करके, फैलिंग विलयन को अपचयित करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनाती है, यह बनाता है।
तो इस अभिक्रिया में विशेष बात क्या होती है कि जब फैलिंग विलयन का मतलब दो विलयन होंगे, फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी, दोनों का आप समान मात्रा में मिश्रण बनाओगे और उसकी क्रिया फिर जैसे हम एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे और उसको गर्म करेंगे तो एक लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। कैसे रंग का? लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। उससे हमें पता चलता है कि हमने जो कंपाउंड लिया है उसमें एल्डिहाइड है या नहीं है। यहाँ इस परीक्षण में आपको एक विशेष बात ध्यान देने की, ये परीक्षण केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये परीक्षण नहीं देता है। तो कहीं पर अगर ये बात आ जाएगी एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी अंतर करना हो तो यह परीक्षण, जैसे यह परीक्षण एरोमेटिक एल्डिहाइड, यह परीक्षण एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। कीटोन तो वैसे नहीं देगा, और एलिफेटिक और एरोमेटिक में भी अंतर करना हो तो यह परीक्षण कौन नहीं देता? एरोमेटिक एल्डिहाइड यह परीक्षण नहीं देता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट के बाद हम जल्दी से इसकी क्या अब आगे बात करें तो आगे में अगर अपने को समझना सबसे इम्पोर्टेंट विशेष बात की है तो इसकी रिएक्शन है। रिएक्शन पे बात करें, तो अब देखो हमने इसमें क्या होता है कि फैलिंग विलयन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा। कॉपर सल्फेट किसके साथ क्रिया करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैंने कितने अणु लिए यहाँ पे? दो यहाँ से ये अलग हो जाएगा और इस सी के साथ क्या जुड़ेगा? OH, कितने अणु? दो। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस Na2SO4, साथ में क्या बन गया? Na2SO4। अब ये आपका जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है इसको मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया ROH, तो यहाँ से ये क्या बाहर चला गया? जल का अणु। और यहाँ पर हमें CuO+ जल का अणु बाहर निकल गया। इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम दिया इसको? क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। क्या नाम दिया? क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड RC OH, क्यूप्रिक ऑक्साइड के हम दो अणु लेंगे यहाँ पे समझने के लिए, CuO CuO। तो यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, क्या बन गया? Cu2O। और ये O यहाँ जुड़ जाएगा तो RC OH, तो ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम दिया इसको? क्यूप्रस ऑक्साइड। और यह लाल भूरे रंग का होता है। तो ये रिएक्शन थी किसकी? फैलिंग परीक्षण की। क्या होता सबसे पहले? कॉपर सल्फेट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा CuOH2। फिर वहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब ये कन्फ्यूजन में, फॉर्मूले में कन्फ्यूज में तो ना कि CuO को तो हम बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO को तो हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। Cu2O को बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। CuO को तो बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड और Cu2O को बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना है वो एल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा और एक लाल भूरे रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण करता है जिससे हमें एल्डिहाइड की पहचान होती है। अब मैं विशेष बात समझाना चाहूँ, होगा क्योंकि आप एल्डिहाइड लोगे और एल्डिहाइड में फैलिंग विलयन का मिश्रण मिलाओगे और उसको गर्म करोगे तो हमें एक लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जिससे हम इस एल्डिहाइड की पहचान कर सके। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये परीक्षण केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये परीक्षण नहीं देता है। तो ये दो परीक्षण हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े हैं आज की क्लास में। कौन कौन से? एक तो
टोलेन परीक्षण और फैलिंग परीक्षण। अब इन दोनों से रिलेटेड मैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ, इनके आंसर की फिर हम बात करते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। जो क्वेश्चन इन्हीं परीक्षण पर आधारित दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं भी हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोपेनेल एवं प्रोपेनोन, प्रोपेनेल एवं प्रोपेनोन में विभेद कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, एसिटाल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड में अंतर करें। दो क्वेश्चन लिखे बेटा, बहुत ज़्यादा दोनों के दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कि पहला क्वेश्चन तो है प्रोपेनेल और प्रोपेनोन में अंतर करना है, और दूसरा क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड में अंतर। अब इनको समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर एक की बात करते हैं, प्रोपेनेल का फॉर्मूला क्या होता है, एल है तो ये एल्डिहाइड हो गया और ओन है लास्ट में तो ये कीटोन हो गया। तो प्रोपेनेल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एल्डिहाइड। प्रोपेनोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये हो गया, क्या नाम दिया इसका हमने, प्रोपेनेल, और यह हो गया प्रोपेनोन। तो इसका मतलब हमें एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड टोलेन परीक्षण देता है जबकि कीटोन टोलेन परीक्षण नहीं देता है। तो इन दोनों का अंतर हम कौन से परीक्षण के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं, टोलेन परीक्षण के द्वारा। टोलेन परीक्षण के द्वारा जो हमने पढ़ा था, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे वो मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के मुझे सेंड कर देना। यहाँ से मैंने हिंट दे दिया है कि प्रोपेनेल और प्रोपेनोन में अंतर करने के लिए कौन सा परीक्षण, टोलेन परीक्षण। अब क्वेश्चन नंबर दो, एक तो लिखा एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CHO, और बेंजल्डिहाइड का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर CHO। तो ये तो गया एसिटाल्डिहाइड और ये बेंजल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड को आप देखा जाए तो आप, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है एक प्रकार का और बेंजल्डिहाइड है, तो इसको आप क्या बोलते हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो हमने बात की थी दोनों के लिए विशेष करके एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। फैलिंग परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन में तो अंतर करता है, इसके अलावा फैलिंग परीक्षण में हमने ये लिखा था कि फैलिंग परीक्षण कौन नहीं देता, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, कौन देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो अगर आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में अंतर करना है तो उसके लिए हम कौन सा परीक्षण काम में लेंगे, फैलिंग परीक्षण। तो इन दोनों प्रश्नों का आप आंसर मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना। तो उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, टोलेन परीक्षण और फैलिंग परीक्षण बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको विशेषकर याद कर लेना अच्छे तरीके से, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।